कर दो बस। आ गए वापस आ गए। देखिए हम आ जाते हैं वापस। सारा आप क्या समझते नहीं आएंगे? अंधेरा यूं बरकरार रहेगा? हाँ। नहीं, अंधेरों से रोशनियों में आना जरूरी। अच्छा सर ये बताएं मुझे, सैनिटर और सैनिटरी में क्या फर्क है? इस पे मैं आपको एक वाक्य बता सकता हूँ। जी वाक्य कोई ज्यादा लंबा तो नहीं? नहीं, एक मिनट का ठीक है, एक मिनट मजा आएगा, टाइम है आपके पास, लंबा वाला एडिट कर देंगे। मेरे मेरे साथ एक हमारे और साथी जो है वो सैनिटर बने, वो माइनॉरिटी की सीट पे, तो वो मुझे कहने लगे कि मेरा एक नौकर है, तो मुझे कहने लगा कि साहब आपको सेनेटर बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, आप इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इतने दिन हो गए आप सो नहीं रहे हैं, सारे दिन आप लगे हुए हैं इधर उधर, तो मुझे तो आपने जो है वो सेनेटर जो है वो फॉर्म बनवा दिया था एक फ़ोन पे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या हुआ था? बोला यार उसको मैंने फ़ोन किया था कि इसको सैनिटरी वर्कर की नौकरी चाहिए लगा दो। तो वो कहीं सैनिटरी वर्कर लग गया। क्या बात, तो वो सैनिटरी वर्कर लग गया, तो वो समझ रहा था कि मैं भी कहीं सैनिटरी वर्कर लग गया। अच्छा सारा आपके साथ कोई डरावना वाक्य पेश आया शादी के बाद? शादी के अलावा ये तो वाकई हुआ ना, उन्होंने कहा शादी के अलावा, शादी के अलावा ऐसा होता है कि कभी डर लगाओ किसी रास्ते से गुजरी हो, पीपल के पेड़ पे से आवाज आई हो, सारा कहाँ जा रही हो? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मुझे डर था। आपने किसी को डराया? बल्कि मुझे अपनी शादी के दिन मेहंदी बारात में, तीन मेजर आपके दिन होते हैं, तो मुझे डर था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मैं गिर जाती हूँ। आप गिर जाती हैं? तो मुझे टेंशन थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, चलते चलते कुछ हो ना जाए। अभी हम लोग सब रेडी रहे। अब हुआ ये दोस्तों की बारात के वेन्यू में मैं एंटर हुई थी कि मुझे को ठुड्डा लगा और मैं यूं हुई, और फिर शुक्र है मेरे साथ मेरी बहन और वालिदा थी, उन्होंने बचा लिया उनका। तो आपके साथ किसी ना किसी का चलना जरूरी जरूरी है ताकि आपको वो गिरने से बचा ले। पर गिरे मत, नजरों से ना गिरे, मैं कहता हूँ सर। हाँ। ये वैसे ये कौन है? कौन है भाई? सेनेटर सारे, वजारतें सारी, पानी बिजली नहीं मिलती, ना ही मिटती है बेरोजगारी, 67 बरस की सारी हुकूमतों को सलाम, तेरी पहली नजर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। साईं सलाम अलैकुम साईं। भाई वालेकुम अस्सलाम साईं। साईं मिजाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब ठीक है बाबा? भाई वो तो ठीक ही होंगे, अब जाहिर सी बात है, और ठीक हो जाएंगे मुझे लग रहा है। ये बताए आप कौन है भाई? साई हमसे पूछ लिया कि हम कौन है, आज तक हमारे अपा ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन है। चलो तुमने पूछा है तो हम बता देते हैं साई, हम जो है ना फारिगुल तहसील, सियासी पार्टी का सियासी कारीगर है बाबा। अरे सर आजकल ये सियासी पार्टियों के जो कारकुन है वो बड़े फारिग घूम रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी? क्या आजकल तो काफी मसरूफ है। नहीं मसरूफ है लेकिन वो फरागत ज्यादा हो गई है, ज्यादा मेजोरिटी जो है वो जब फरागत होती है तो ये चार चार दिन चलते रहते हैं ना। हाँ भाई आप किस पार्टी से? सही हम पीपीपी से। अच्छा पीपीपी, ये तो आप ही की पार्टी से सर, जभी तो आए यहाँ, इनको पता चलोगा आप आए तो ये यहाँ पर आए। सईद गनी, सईद गनी साहब सलाम अलैकुम, भली करे आए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सही, आप इधर बैठे हो, उधर इस्लामाबाद में कोई सुनामी ला रहा है, कोई इनकलाब ला रहा है, सही उधर पीटीआई का कारकुन बिजी चल रहा है, उधर पीएटी का कारकुन बिजी चल रहा है, उधर नून लीग का कारकुन बिजी चल रहा है, हम इधर ख्वार घूम रहा है। सही हमसे भी कोई काम ले, ये तो वही मिसाल हो गया बाबा। सही फूल होवे तो खुशबू देवे, जो खुशबू नहीं देवे तो वो फूल क्या है? सही मिनिस्टर होवे तो नौकरी देवे, जो नौकरी नहीं देवे तो वो मिनिस्टर क्या है? सही वजीर होवे तो करप्शन करे, जो करप्शन नहीं करे तो वो वजीर क्या है? सही बेगम होवे जो डंडे लगावे, जो डंडे नहीं लगावे तो वो बेगम क्या है? वो तो यही बताएंगी सारा, नई नई बेगम बनी है, डंडे लगावे भाई। हां अभी तक ऐसी नौबत आई लगाए कोई डंडे? सारा अभी तक ऐसी कोई नौबत आई? बिल्कुल भी नहीं। आतिशोर शरीफ आते ही मुर्गा बन गए। सही ये कौन है हसीन और जमील खातून? ये आपकी बड़ी बहन है। मेहरबानी बाजी जी, आप हसीन और जमील हैं? हसीन और जमील, इनकी झील आंखें देखें झील जैसी। वाह वाह सही, हसीन तो ये नजर आ रही है लेकिन इनके साथ जमील नजर नहीं आ रहा, आज नहीं आया क्या? वो लाहौर में, वो घर जमील नहीं है, फराज है वो। फराज उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम है फराज। वैसे आप अगर नाराज ना हो, आपकी झील जैसी आंखें हैं, हमारे घर में डेढ़ हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, अगर आप नाराज ना हो तो आपकी झील जैसी आंखों से कूलर पानी ले लेंगे। मेरा ख्याल है आप इनसे रابطہ करें। मेरी जैसी झील, मेरी झील जैसी आंखें नहीं है आपकी जीप जैसी।
वैसे शहीद गनी साहब को हम इधर देख के हम समझ गए इस वक्त जो पाकिस्तान में ना बहुत हाई फाई लेवल का सियासत हो रहा है। अच्छा, उधर इमरान खान साहब और ताहिर अल कादरी साहब गवर्नमेंट गिराएंगे, इधर वरी हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा। सही, आपने जो हमसे वादा किया था 18 ग्रेड अफसर की नौकरी का, वो सही भूलना नहीं। सही सर, ये 18 ग्रेड पे पूरा उतरेंगे ये? जिस तरह की इनकी लैंग्वेज है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी ये जिनको मैंने देखा है, तो ये बेचारा 20 पे भी जा सकता है। सर ये तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। 18 ग्रेड की जॉब, कान के धब्बे यहाँ पड़े हुए, 20 ग्रेड के ऑफिसर, 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं यहाँ से पांच। ये मैं नहीं समझता कि किसी का कोई गेटअप, किसी का कोई लेजा जो किसी को डिस्क्वालीफाई करता है। अच्छी बात, लेकिन सर अपने अपने ग्रेड का तो पता, इन सारी चीजों के बावजूद भी इंसान बासलाहियत हो सकता है। अच्छी बात, चले भाई आप जा सकते हैं। शहीद गनी साहब जो है ना बड़े टैलेंटेड और हम पर बड़े एहसान आते हैं इनके। अच्छा, और जाते जाते सही हम कौम को एक मैसेज देना चाहता है। जी बिल्कुल, अपने अपने मोबाइल जो है अपने हाथ में निकाल के रख लो, अभी हम घर जाके तुमको मैसेज करता है, हमने अभी अभी पैकेज करवाया है। जा भाई, जा, जा, जा। वैसे सही शहीद गनी की वजह से हमको गाना बड़ा जबरदस्त याद आ रहा है। रहे सदा सिंधु अजी झोली मारुड़ी बोली, रहे सदा सिंधु अजी झोली मारुड़ी बोली, गली गली आए घर घर गूंजन सिंध अमर गाना करना चाहूंगा। सर जब अपने सिंधी कल्चर के गाने सुनते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, पश्तो गाने सुनते हैं, सबके अलग मजा है, सबका अपना मजा। सर हमारे मुल्क कितना प्यारा, कितनी प्यारी जबान, कितने प्यारे गाने, तो सर हम लोग क्या मिलकर नहीं रह सकते सर? हाँ है सर यार, मिलके अक्सर ही तो मिलके ही रह रही है। अक्सर तो मिलके रह रही है, दिलों से मिलके क्यों नहीं रह? दिलों से मिलके रह। मैं एक बात पूछूं, बुरा माना? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हटके जी। लोग बड़ी मेहनत से बाल बनाते हैं, हाँ लगता है बड़ी मेहनत से बाल खराब करते हैं। इंसान वो काम करे जिसको दिखाई ना दे, नहीं जिसको जस्टिफाई कर सके। ओके, क्या कर सके? जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या मैंने? जस्टिफाई मींस ये इंजन होता है गाड़ी का, जस्टिफाई क्लेरिफिकेशन कर सके। मैं सोचती हूँ कि इसके लिए प्रॉपर प्रॉपर आप एक म्यूजिशियन रखें, हार्मोनियम हाँ। रखें, तबला रखें, पता नहीं कब होगा जिंदगी में। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा आती है आपको? नहीं, पंजाबी आती है, पंजाबी में कुछ हो जाए, सिंधी का तड़का आ गया, पंजाबी का तड़का हल्का सा हो जाए, हल्का सा। फिर उर्दू में हम कश्मीरी सुना, ओके ओके। आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे, सुनाए बिना वजह का माहौल हाइक ना बनाए। सेनी मंदानी बोलना चंदी चांदनी चंदे कंदे मन दी मौज बिच हसना। आपने शुरू ऐसे किया था, हम समझे थे आप नहीं गाएंगी, और कमाल गाया सारा, हर काम कर सकती है, यकीन करें आप। हाँ नहीं, मुझे अभी भी नहीं नहीं नहीं, वो तमाम लोग जो बहुत अच्छा जौक रखते हैं, सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने, तो मुझसे गलती हो जा जाके सुनते हैं, जा जाके सुनते हैं। आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। कोशिश करो कि जो करती हूँ वही करो, ये ना करो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि हर वक्त कोई ना कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहे। अच्छा अभी जो आपके स्मार्टफोन आ गए ना, तो और बड़ा घर कर दिया ना लाइफ का, मतलब आप बैठे हैं तो फोन पे भी वो आपका नेट ऑन है और अखबार की खबरें आ रही हैं। अच्छा जब से मीडिया से में जाके मैंने वो मॉनिटरिंग का सिस्टम ऑन किया है, तो रोजाना कोई 200-400 ईमेल्स ऑन किया जाती हैं, अब वो सारी पढ़नी है कि सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो मतलब इतनी फुर्सत ही नहीं कि आप गुनगुनाएं और कुछ। सही बात, चले जी ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन हमारा अगला सुन लेता हूं कभी कभी। अच्छा अगला सेगमेंट हमारा उसका नाम है ऐसा क्यों है, पहले ये देखते हैं फिर आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तान के सियासतदान इस मुल्क का पैसा
गैर ममालिक के अंदर क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों है? सारे पैसे जो है ना वहाँ से जो इमदाद के आते हैं वो सब वहीं वर्ल्ड बैंक में वापस चले जाते हैं, स्विस बैंक में। उसका जो खमियाजा है वो आवाम भुगत रही है। ये सारे के सारे करप्ट हैं और इनका काम यही है, यहीं से करप्शन करके पैसा कमाया हुआ है। FBI की रिपोर्ट है कि साल में 1000 मिलियन जाता है, 2000 मिलियन का करप्शन है। सारे करप्ट हो चुके हैं, आई थिंक उनका ट्रस्ट नहीं है। जाहिर है यहाँ पे उनके एहसासे पकड़े जाएंगे, लीगल हों तो यहाँ रखवाएं ना। पैसा यहाँ का है और जमा हुआ करते हैं। पॉलिसियाँ ऐसी हैंगी क्योंकि टैक्स वगैरह अदा करने होते हैं, इसलिए वो अपना स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं। अपने मुल्क में रखवाना बेहतर है। सब हमारे और आपके पैसे हैं भाई, हमारे गश्त किए हुए पैसे हैं, बाहर से पैसा इनके पास कहाँ से है? ये इसलिए है कि पाकिस्तान की मीशत कमज़ोर हो। लोग अपने घरों को बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, उन्हें पता है कि आखिर अपने लौट के वापस जाना है, इसलिए दोनों हाथों से मुल्क को लूटे जा रहे हैं। मैं अपने पैसे घर पर ही रखता हूँ। क्या बात है चाचा, कह रहे चाचा ने आखिर में बड़ी अच्छी बात की, मैं अपने पैसे घर में ही रखता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना। सर आप अपने पैसे कहाँ रखते हैं और ये लोगों को ऐसे कैसे पता, इन्होंने क्या अकाउंट चेक किया आप लोगों के जाके गैर मुल्क ये सियासतदान? अगर मेरे चेक कर ले तो शायद ये बातें ना करते। अच्छा बाकियों को मुझे ऐसा चल रहा है सर, ये तो गलत बात नहीं सर, ये मैं तो आपसे डोनेशन मांगने वाला था, मैंने पहले बता दिया, मुझे लग रहा था कि यार मुझे लग रहा था आपको लग नहीं रहा सर, आप बस आप हम पाकिस्तानी हैं। परसेप्शन है ना कि कोई सारे सियासतदान बड़े अमीर होते हैं, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह बात ऐसा नहीं है, बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। कुछ पॉलिटिशियन गरीब भी देखें, पजीरों में आ रहे हैं सिर्फ एक पजीरों, बहुत सारे। अगर कोई शख्स करप्शन करता है तो एक दफ़ा हो सकता है कि वो उसको ना पता हो लोगों को, लेकिन कुछ अरसे में ज़रूर बेनकाब हो जाता है और लोग उसको रद्द कर सकते हैं, और ये हुआ है, बेशुमार मरतबा हुआ है। ठीक है सारा बलोच, आप अपने पैसे कहाँ रखती हैं? सलामी कितनी मिली थी? हाँ ये बताइए। पता नहीं सारी बॉट है, सारी मिली। अच्छा सर एक बात, सॉरी सॉरी सारा, ये सलामी जो होती है इस पे भी टैक्स लगता है क्या? जब भी कैश इन हैंड रखती हूँ ना चले आते हैं। तो आप खाली पर्स लेके नहीं निकलते? फिर मैंने कहा कोई सीन नहीं है, कैश इन हैंड रखना बेटा, पैसे फौरन निकल जाते हैं। पर्स तो आपको डिजाइन करती है पता ही आप, माशाल्लाह से। तो सलामी आपको याद नहीं कितनी जमा हुई थी? सलामी एक्चुअली जो फराज के बाद भी जिन्होंने दी थी उन्होंने अपनी भी दे दी मुझे, रख लो रख लो तुम ये भी रख लो, तो मुझे याद नहीं कितनी थी, ढेर सारी थी वैसे माशाल्लाह। सर ये अगला सीन भी देखते हैं और फिर आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों। हर औरत जो चाहे 155 की हो 60 की हो वो अपने आप को नौजवान बनती है, 70 पोशी तो ख़त्म चुकी है, वो जब बैठती है मोटरसाइकिल में तो उसका पूरा जिस्म नज़र आ रहा होता है, और जो आजकल पजामे चले हुए हैं ख़वातीन के वो साटन के होते हैं सर, उससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या कुछ नज़र आता है। बेटा आदमी को कपड़े वो पहनने चाहिए जिससे औरत का जिस्म ढके, वो ना पहने कि जिससे महसूस हो कि ये उरियानी हो रही है। ज़माने ऐसे आ गया है, वो जो ढके छुपे लिबास थे जो पहले पहले जो पहने जाते थे ना, उनको आजकल पसंद नहीं करती हैं औरतें। लड़कियों को इस तरह की ड्रेसिंग से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये इससे जो है ना थोड़ा सा माशरा भी और माहौल ख़राब होता है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा अपना अपने आप को ढक के निकलना चाहिए घर से, फिर कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो फिर शोर शराबा होता है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, जबकि खुद इस तरह की ड्रेसिंग करके लड़कियां घर से निकलती हैं। फाशी और क्या हो सकता है, नेट और ये सारी चीज़ें इंडिया की दी हुई हैं हमारे यहाँ पे जो है गिफ्ट हमें, आजकल तो फाशी का बस सिस्टम हो गया सारा। अगर आप एक माशरे में रहते हैं, अगर आपका मुल्क इस्लामिक है तो आपको ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको एक साइड होना पड़ेगा, वरना अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारी वजूहत हैं इसकी, माशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं इस तरह की हरकतों से। आजकल तो मीडिया का दौर है, आपको पता है जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जी सारा पहले आप बताएंगी फैशन के बारे में, फैशन कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, बाइक पे जो बैठ के जो प्रॉब्लम होती है, दुपट्टा भी फंस जाता है चैन में, चाहे वो फैशन लड़का कर रहा है लड़की, आप वो करें जिसमें आप खुद कंफर्टेबल है। अपना कंफर्टेबल देखें प्लस अपनी वैल्यूज को मद्देनजर रखें, आप जिस भी फैमिली आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा इनका अपना है और वैल्यूज भी हर एक डिफरेंट होती है, यू नीड टू यू नो कंसीडर योर वैल्यूज। कभी बाइक पे बैठी है? बाइक पे बैठी है बैठी थी, बड़ा मजा आया था। किसके साथ बैठी थी? वो एक कुली थे उनके साथ बैठी थी, कुछ तो दुपट्टा वगैरह वो किसी ने। अच्छा बाइक पे जब खवातीन बैठी होती है ना तो जो बराबर वाले बाइक वाले होते हैं गाड़ी वाले तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, दुपट्टा ऊपर कर नहीं भी होता, जबरदस्ती शीशा नीचे करके बता रहे होते हैं दुपट्टा ऊपर कर ले, इंसानियत
की खिदमत है। अरे दुपट्टा उठा लो, ये स्कूटर का स्टैंड उठा लो। देखिए अगर है, अगर ऐसा मसला है तो सही बता रहे हैं, उससे हादसात भी होते हैं, दुपट्टा फंसने से हादसात भी होते हैं, लेकिन बिला वजह में जो बता रहे होते हैं ना, तो ऐसा हुआ जब आप बाइक पे बैठी तो क्या आस पास गाड़ियाँ ज्यादा हो गई? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो पेंट लेने गए थे, पेंटिंग करनी थी, सामान लेना था, गए अनारकली में, कभी कोई एंजॉयमेंट हमारे माशरे में रहते हुए आपको बिल्कुल सीरियसली कह रही हूँ कि हम जिस बैकग्राउंड से हमारा हम बिलोंग करते हैं, हमें वो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो जो भी आपका बैकग्राउंड। नहीं देखें, इनकी बात किसी तक ठीक है कि हर शख्स की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं ना, आपको सोसाइटी को भी मद्देनजर रखना होता है कि किस हद तक लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं आपके फैशन को, उतना करना चाहिए। अब तो खवातीन जैसे पजामे मर्द भी पहनना शुरू हो गए। हाँ, फूल बने हुए, आज ही पहने हुए, डिजाइन बन गया ना, लड़के भी चिपके हुए कपड़े पहनना शुरू हो गए। बिल्कुल, सिर्फ खवातीन की हद तक फैशन महदूद नहीं, अब तो एड्रेस बताते हैं, ये फट जाती है बगल, आप नहीं देख ले, फोकस करें उनकी पैंट को जरा। मैंने दिखा दिया, फुलकारी वाली पैंट ऐसी। अच्छा सर, ये जो पार्लियामेंट वगैरह में जो खवातीन मेकअप वेकअप करती हैं, ये सही है, सही चल रहा है, या ज्यादा कर रही हैं या कम कर रही हैं? एक दो हैं जो बहुत ज्यादा कर लेती हैं, अदरवाइज तो बाकी कौन कौन सर कौन कान में बता दें, कान में बता दें, कान में एडिट में शो के बाद बता दूंगा, शो के बाद चैलेंज, शो के बाद पता चलेगा कि पार्लियामेंट में जो खवातीन मेकअप करती हैं वो कौन है। लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक में पूछ लूंगा, ब्रेक पे चलते हैं।